आइन में तरामीम करेंगे। सबसे पहला काम तो आईएमएफ के पास जाना है। नून लीगी सेनेटर को सदर आसिफ जरदारी से भी अच्छी उम्मीदें हैं। इरफान सिद्दीकी का मुल्की सूरतेहाल पर मजीद क्या कहना था, ये जानेंगे समा के नुमाइंदे खुसूसी टिका खान सानी से। टिका खान, बताएगा इसकी तफसील। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि कानून साजी आपने शुरू कर दी, पहला कानून क्या, पहला तब्दीली क्या ला रहे हैं? हमारे सामने सबसे ज़्यादा अहम मसला जो है वो है मईशत का। आईएमएफ के पास जाना है, उसके लिए भी हमें इकदाम देखने हैं। और जहाँ तक आइनी तरामीम का ताल्लुक है, वो एक नैब के खात्मे का हमने जिक्र किया है। दूसरा हमने कहा है कि 62-63 क्लाजेज जो हैं वो 1973 के ओरिजिनल आइन के मुताबिक लाई जाएंगी और जो ज़ियाउल्लाह साहब के दौर में तरमीमें हुई थी वो ख़त्म कर देंगे। तीसरी चीज़ हमने रखी हुई है कि जो बल्दियाती निज़ाम है उसको हम आइनी तहफ़ुज़ देंगे, जिस तरह सूबाई असम्बलियों को है, मरकज़ी असम्बली को है, पूरी हुकूमत के ढांचे को है, उसको भी देंगे। कंसिडर कर रहे हैं इस बात को कि ये जो निगरान हुकूमतों का सेटअप है ये कितना फ्रूटफुल रहा है या कितना नाकिस है। अब देखिए, हमने कुछ 13-13, 14-14 महीने की निगरान हुकूमतें देखी हैं सूबों में, 6-7 महीने की हुकूमत देखी है, यहाँ 200 के करीब ममालिक हैं, कहीं भी ये सिस्टम नहीं है। अगर पार्टियाँ एग्री करती हैं तो हम इसको भी अनडू करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि एक महदूद इख्तियार के साथ सदर पाकिस्तान, आप समझते हैं कि आप के एतमाद पे पूरा उतरेंगे? यकीन है कि वो एक जमहूरी क्रेडेंशियल्स रखने वाले सदर हैं। सदर अलवी साहब ने बड़ी गलत रिवायात डाली है, तो पहले तो गुस्ले जमहूरियत देना पड़ेगा जरदारी साहब को, ऐवान सदर को। जरदारी साहब का हल्का असर है, वो पार्टियों को करीब ला सकते हैं, दूरियां कम कर सकते हैं, पोलराइजेशन कम कर सकते हैं, अपनी शख्सी हवाले से, अपने सदारती हवाले से करें या ना करें, तो बहुत सी उम्मीदें हैं। यकीन 4 से 5 बड़ी आइन साजी और कानून साजी की उन्होंने बाकायदा तौर पर इशारा दे दिया है। जी, आइन में तरामीम करेंगे। सबसे पहला काम तो आईएमएफ के पास जाना है। नून लीगी सेनेटर को सदर आसिफ जरदारी से भी अच्छी उम्मीदें हैं। इरफान सिद्दीकी का मुल्की सूरतहाल पर मजीद क्या कहना था, ये जानेंगे समा के नुमाइंदे खुसूसी टिका खान सानी से। टिका खान, बताएगा इसकी तफसील। हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा कि कानून साजी आपने शुरू कर दी, पहला कानून क्या, पहला तब्दीली क्या ला रहे हैं? हमारे सामने सबसे ज़्यादा अहम मसला जो है वो है मईशत का। आईएमएफ के पास जाना है, उसके लिए भी हमें इकदाम देखने हैं। और जहाँ तक आइनी तरामीम का ताल्लुक है, वो एक नैब के खात्मे का हमने जिक्र किया है। दूसरा हमने कहा है कि 62-63 क्लाजेज जो हैं वो 1973 के ओरिजिनल आइन के मुताबिक लाई जाएंगी और जो ज़ियाउल्लाह साहब के दौर में तरमीमें हुई थी वो ख़त्म कर देंगे। तीसरी चीज़ हमने रखी हुई है कि जो बल्दियाती निज़ाम है उसको हम आइनी तहफ़ुज़ देंगे, जिस तरह सूबाई असम्बलियों को है, मरकज़ी असम्बली को है, पूरी हुकूमत के ढांचे को है, उसको भी देंगे। कंसिडर कर रहे हैं इस बात को कि ये जो निगरान हुकूमतों का सेटअप है ये कितना फ्रूटफुल रहा है या कितना नाकिस है। अब देखिए, हमने कुछ 13-13, 14-14 महीने की निगरान हुकूमतें देखी हैं सूबों में, 6-7 महीने की हुकूमत देखी है, यहाँ 200 के करीब ममालिक हैं, कहीं भी ये सिस्टम नहीं है। अगर पार्टियाँ एग्री करती हैं तो हम इसको भी अनडू करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि एक महदूद इख्तियार के साथ सदर पाकिस्तान, आप समझते हैं कि आप के एतमाद पे पूरा उतरेंगे? यकीन है कि वो एक जमहूरी क्रेडेंशियल्स रखने वाले सदर हैं। सदर अलवी साहब ने बड़ी गलत रिवायात डाली है, तो पहले तो गुस्ले जमहूरियत देना पड़ेगा जरदारी साहब को, ऐवान सदर को। जरदारी साहब का हल्का असर है, वो पार्टियों को करीब ला सकते हैं, दूरियां कम कर सकते हैं, पोलराइजेशन कम कर सकते हैं, अपनी शख्सी हवाले से, अपने सदारती हवाले से करें या ना करें, बहुत सी उम्मीदें हैं। यकीनन 4 से 5 बड़ी आइन साजी और कानून साजी की उन्होंने बाकायदा तौर पर इशारा दे दिया है। जी।